जिसने ना करी गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने ना चाखी छाट कभी वो दूध मलाई क्या जाने। बेटे की ममता माँ जाने वो बांझ लुगाई क्या जाने। जिसके न भई पाम बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। कीरत श्री गुरुदेव के ए जी चरण नवा होशीस हरि गिर स्वामी सदा सुदेते रहो असी। श्वास श्वास में हरे भजो वृथा श्वास मत खोई। पता नहीं इस श्वास को स्वावन होई या न होई। हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग प्यार करने को बच्चे और सीता अनुसुईया सावित्री जैसी घूम पड़ने वाली हमारी माता और बहने, तो आइए किस प्रकार से कहाँ से हमारा यह प्रसंग चालू है गौर लगाएंगे तो बड़ा ही आनंद मिलेगा कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया है, बाणों से मरने के लिए जा रहा है, अब तो अर्जुन कहने लगा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से, स्वामी मुझ जैसा इस संसार में कोई वीर नहीं। अर्जुन क्या बोला है भगवान से, वीर भक्त दानी प्रभु मौसम को बलवान कर आज मैंने हनो सो समर बीच दरम्यान। देखो तुम ये कहते थे कि कर्ण वीर है, मेरे सामने देखो कैसे पड़ा है। एकदम से भगवान कहने लगे ओ अर्जुन कहां भूल रहे हो भैया, बुद्धिमान होते हुए पागल मत बनो। सुनो कृष्ण चंद्र कहने लगे क्यों फड़काती अंग वीर भक्त दानी लखो सो चलो हमारे संग। भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे अर्जुन अगर तुम्हें वीर दानी देखना है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं कि संसार में कौन वीर है कौन दानी है। अर्जुन कहने लगे ठीक है चलो, तुम नहीं मानते हैं तो आज भगवान कृष्ण कन्हैया और अर्जुन दोनों भेष बदल के और कर्ण के पास के लिए चलते हैं। कैसे भैया चल दे अर्जुन श्री भगवान कर्ण दानी के धिमरन में। चल दे अर्जुन श्री भगवान कर्ण दानी के धिमरन में। क्या हुआ भैया बालक रूप धरो अर्जुन ने, आज बालक का रूप अर्जुन ने धरो, एक बालक रूप धरो अर्जुन ने, विप्र को रूप धरो गिरधर ने,
मनोहर कन्हैया ने देखो पहुंचे जहां पहुंचे जहां पड़ोए बलवान करण दानी के धिंगारन में चले दे अर्जुन श्री भगवान करण दानी के धिंगारन में कन्हैया और अर्जुन दोनों कहां पहुंचे जहां मरने के लिए एक सांस कर्ण गिन रहा है और जाकर के कर्ण के पास घूमने लगे और भगवान कहा बोले भगवान बोले भिक्षक हम दोनों पाया है नहीं ब्राह्मण कर्ण को वो जते बेते हैरण में हम तो दानी कर्ण को आस पास दौड़ने लगे कर्ण के और भगवान कहने लगे हम कई दिनों से डोल रहे हैं लेकिन हमें दानी वीर कर्ण का पता आज तक नहीं लगा आहा एकदम से रो करके कर्ण कहने लगा हे विप्रदेव तुम कौन हो कहां से आए हो क्या चाहते हो मैं ही कर्ण हूं आह भगवान के लिए क्या कहा आप बोले हां आज ब्राह्मण के रूप में भगवान क्या बोले हैं कि हमें दान चाहिए तो रो करके कर्ण बोलो महाराज ऐसी टेम पे तुम दान मांग रहे हो क्या बोला है कर्ण हाय के दान कहां से लाऊं महाराज दान कहां से लाऊं मौत राया जो पकड़ लई बैया महाराज मेरे पास कुछ नहीं है मानो दान विपत्ति में मोते हम मरने की सांस भराते मेरे पास कुछ नहीं एकदम से भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे अरे ओ कर्ण दान है तेरे पास लेकिन देने की इच्छा नहीं
कर्ण बोले, महाराज मेरे पास में क्या दिख रहा है? बोले सुनो, विप्रहस कहने लगे सुन लो कर्ण धरे ध्यान है, थोड़ा सा दे दीजिए कंचन का हमको दान। महाराज कंचन का दान? हाँ, भगवान कहने लगे तुम्हारे जो दांतों में कंचन मड़ा हुआ है मुझे कंचन का दान चाहिए। आहा, रो पड़ा है कर्ण, कहने लगा महाराज ये आपने क्या मांगा? क्या बोला है कर्ण? हाय विप्रतन वादर पारे, विप्रतन वादर पारे मारी डरे भगवान कहने लगे कर्ण अरे हमने तो नाम सुना था कि दानी वीर हो तो कर्ण जैसा, इसलिए आशा लेकर के आए। अगर तुम्हें दान नहीं दे रहे, अगर दान की इच्छा नहीं देने की तो हम तेरे पास से जाते हैं, मने कर दो हमसे। एकदम से कर्ण कह लगा नहीं ब्राह्मण देव, अगर आपने मांगा है तो मैं यही देने के लिए तैयार हूं। भैया कर्ण के हाथ तो थे ही नहीं, आज लुढ़कता फुड़कता और एक शिला पर पहुंचो और कहा करो भैया कर्ण ने, अरे तोरे दाता शिला पे भैया मारी, बत्ती से घर जाती है। धन है वीर कर्ण दानी, आप ही सोचिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, किसी भी इंसान के थोड़ा सा दांतों में दर्द होता है तो कितनी पीड़ा होती है। कामे तो कर्ण ने बत्ती से घरा दी शिला में मुंह को मार के। Thank you.
दर्शन कन्हैया के लीजिए ब्राह्मण से ले ले ओ प्रदान तुम भगवान क्या बोले हैं हे कर्ण सो कृष्ण चंद्र कहने लगे सुनो करण बलवान पहले जल से शुद्ध कर फिर देना तुम दान। भगवान बोले कर्ण पहले जल से धो शुद्ध करो जब दान देना हमें। आहा भैया कहते हैं दुख में दुख आता है, मरने के लिए जा रहा है कर्ण फिर भी कंचन का दान दे रहा है, लेकिन भगवान बोले हमें जल से धोकर कर दो। कहने लगा है कर्ण महाराज अरे मेरे पास में नहीं तो धन से नहीं बाण है, मैं कहां से क्या करूं। आज भैया कहीं बाण पड़े हैं कहीं धनुष पड़ा हुआ है, आज लुढ़क पुड़क करके आज कर्ण ने धनुष बाण को उठाया और कहा करो पाम ने धनुष दबाई भैया पाम ने धनुष दबाई होटने वाला खेती के मारो मन धनु सदवाई होटल पाल खेती के मारो आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं पावों से धनुष को दबाया कर्ण ने होटों से बाण को चलाया है। बाबो भैया वीर करण आए दऊ में भेद बताई भैया आए दऊ में भेद बताई होटल माला खेती के मारो पामन धनुष दबाई होटल माला खेती के मारो का दान देने लगा। लीजिए लीजिए ब्राह्मण देव लीजिए एकदम से भगवान कृष्ण कन्हैया और अर्जुन दोनों अपने रूप में आ गए। जैसे ही भगवान को कर्ण ने देखा
अहे रो पड़ा, कहने लगा स्वामी आप इतनी कड़ी परीक्षा की मेरी, मरते समय भी एकदम से भगवान बोले कर्ण सुन, एक जो चाहिए सो मांगो हमसे, एक जो चाहिए सो मांगो हमसे, सत्यवचन में कही रहे सुमती, मैं प्रसन्न हूं, जो मांगो वही देने के लिए तैयार हूं, मांगिए क्या चाहते हो। आए दऊ मैं स्वर्ग बसाई कर्ण, आए दऊ मैं स्वर्ग बसाई होटल लगे हैं स्वामी, हे ब्राह्मण देव के रूप में तुम आए थे, वेश बदल करके मैं मरने के लिए जा रहा हूं, तब भी इतनी कड़ी परीक्षा। भगवान कहने लगे कर्ण आप क्या चाहते हो वही मैं देने के लिए तैयार हूं। पाई दान आज कर्ण से हुए प्रसन्न भगवान, भगवान बोले मांगे क्या चाहते। आहा कर्ण कहने लगा स्वामी, हे कन्हैया अरे तुम अभी हाल मेरे सामने झोली पसारे हुए भीख मांग रहे थे, अरे तुम मुझे क्या दे सकते हो, मुझे कुछ न चाहिए, आप चले जाओ यहां से, आपको दान मिल गया जाइए। भगवान बार बार कहने लगे नहीं कुछ तो मांगो, कुछ मांगो, थोड़ा मांगो, कुछ भी मांगो। तो कर्ण का क्या जवाब आया भैया, कर्ण वीर कहने लगा वरदान की इच्छा नहीं, बस लालसा मेरी यही दाग देना अच्छी जगह कहीं। कर्ण कहने लगा स्वामी और मुझे कुछ न चाहिए, केवल तुमसे मैं यही मांगता हूं कि मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह करना जहां कोई इंसान जला ना हो। भगवान बोले मस्त ऐसा ही होगा, आज भगवान ने वरदान तो दे दिया और हुआ क्या भैया। और कर्ण कहने लगा सुनो महाराज, बोले कर्ण वीर बलवान, बोले कर्ण वीर बलवान, मेरी सुन लीजिए भगवान, जगह बतलाऊं जहां ना जला हो इंसान। बोले कर्ण वीर बलवान, मेरी सुन लीजिए भगवान, जगह बतलाऊं जहां ना जला हो इंसान। वहां मेरा दाह संस्कार करना,
पड़ गए संकट में अब प्राण, दिल में सोची रही भगवान कहाँ बतलाऊं जहाना जलाओ इंसान। ये बोले करण वीर बलवान, मेरी सुन लीजिए भगवान, जगे बतलाऊं जहाना जलाओ इंसान। आज कहने लगे महाराज ऐसी जगह पर मेरा दाह संस्कार करना ठीक है। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, अब भगवान ने पूरे संसार में नजर घुमाई कि ऐसी कोई जगह है या नहीं। क्या हुआ भैया? आए आवाज सोच रही है तारे मन में, तारे मन में आवाज सोच रही है तारे मन में, जाते अच्छो नजर घुमाई तो पूरे संसार में ऐसी कोई जगह भगवान को नहीं दिखाई दी जहां कोई इंसान जलाई नहीं था। अब तो भगवान सोच में पड़ गए, ये मैंने क्या वरदान दे दिया इसको। काड़े मन कन्हाई पंचा सोच रहे भैया सोच रहे, झाड़ू लगायो में। आज कृष्ण कन्हैया सोचने लगे, हे मैंने नहीं कहा कोड़ में खाद कर ली, जानते अपनी दे वैसे ही झाड़ू लगा लो, खाओ ना मैं आपकी परीक्षा कर तो ना मैं वरदान दे तो ना मुझे झाड़ लग तो। अब ऐसी कोई जगह संसार में है नहीं जहां मैं दाग दे सकूं, ऐसी जगह नहीं है कोई खाली है, हाय खाली है कहां दऊं दाग वाला साली है। कन्हैया सोचे लगे, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। आज कर्ण को मैंने वरदान तो दे दिया, लेकिन पूरे संसार में मैंने देख लिया ऐसी कहीं पर जगह नहीं जहां इंसान जला नहीं है। अब क्या करूं मैं क्या ना करूं। आज कर्ण देख रहा है भगवान को, सोचने लगा मन ही मन में, मेरे भाग में अच्छी जगह पर दाह संस्कार भी नहीं लिखा है। और भैया कर्ण क्या बोला है,